जय श्री कृष्णा बंधुओं, जय श्री राधे। जब कभी आप हमारा वीडियो सुने, इस नाम से मेरे प्रभु को एक बार जरूर याद करें। जय श्री कृष्णा बोलने में कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद की अनुभूति होती है। मैं चाहता हूं कि ये सब चीज़ आपको बताता जाऊं, लेकिन समय अपनी गति पर होता है। धीरे धीरे जय श्री कृष्णा के बारे में, जय श्री राधे के बारे में भी हम आपको एक सुखद वीडियो बनाएंगे, जो बोलने से आपके अंदर एक रोम रोम की आपके अंदर प्रफुल्लता होती है। तो हमारा वीडियो का हर वक्तव्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित होता है। आज मैं एक शंकाओं के निवारण हेतु मन में एक कौतूहल उत्पन्न हुआ, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कई लोग फ़ोन करके पूछते भी हैं कि महाराज, श्री किसकी मूर्ति घर में रखें अथवा ना रखें, मूर्ति का क्या विधान है, मूर्ति किस किस की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ये कई क्वेश्चंस, कई उत्तर जो प्रश्न हमसे लोग करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि भगवान की कोई भी मूर्ति ना अशुभ थी, ना है, ना हो सकती है। भगवान तो हमेशा मंगलकारी ही है। अगर कभी जब हम बचपन में नटखट होते हैं तो माँ डांटती है कि नहीं डांटती है? जरूर डांटती, उसे डांटने का अधिकार है। ऐसी अगर हम कोई गलती करते हैं तो प्रभु हमें डांटते जरूर हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं करते। माँ की डांट में भी कोई आनंद छुपा होता है। ऐसे भगवान हमें कभी कभी सबक देते हैं, उस सबक में भी कोई ना कोई हमारा कल्याण, हमारा शुभ, हमारा हित और हमारी एक उन्नति की राह छुपी होती है। तो देखिए, मैं दो चीज़ जो ज़रूर बताना चाहूँगा। कई लोगों के मन में संदेह कि एक से ज़्यादा गणेश जी ना हो, एक से ज़्यादा ये ना हो, ऐसी सब किम वदंतियाँ हैं, इनका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी, यह महात्मा तुलसीदास जी ने लिख दिया कि संपूर्ण जीवन में संपूर्ण चीज़ भगवान का अवतार है। तुम कहाँ संदेह कर सकते हैं कि एक ना हो, दो ना हो, चार ना हो। तो ये संदेह का निवारण कर रहा हूँ। मूर्ति कोई भी हो सकती है। जो मैंने वास्तु ट्रिप्स में कई बार बताया है कि माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और हमारी माता अन्नपूर्णा एवं किसी भी प्रकार के यंत्र और भगवान श्री गणेश जी, इनका साउथ फेस ना हो। इस प्रकार से अपने घर में मंदिर की स्थापना करें। अगर ये मूर्तियां आपके साउथ देख रही हैं तो कृपया आप इनका मुख यानी डायरेक्शन बदल दें, तो आप अनुमान लगाएंगे। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मुख्य, कि मूर्तियां घर में रख तो लेते हैं लेकिन वो सजावट का काम आती हैं, ऐसा मैं कई घरों में देखता हूँ। तो मूर्ति रखो, उतनी रखो जिनकी सेवा की जा सकती है, अथवा चित्राम की सेवा करो। और यदि मूर्ति रखने की आपकी बड़ी प्रबल इच्छा है तो लेस देन 1 फीट यानी 11 इंच तक मूर्ति का प्रमाण ग्रंथों में लिखा है, वो मूर्ति घर में रख सकते हो और जैसी जब श्रद्धा होती है उस समय पूजा कर सकते हो। अगर 11 फीट से ऊपर मूर्ति है यानी 11 इंच से ऊपर, 1 फुट से ऊपर मूर्ति है, उनके प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनको अगर अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते तो 3 टाइम की सेवा, प्रातः स्नान और बालभोग, मध्य में राजभोग और संध्या को शयन भोग और दूध भोग के साथ भगवान को शयन कराना आदि समस्त नियम होते हैं। और यदि उसमें फिर किस समय महिलाएं हमारी रसोई में जाने लायक हैं, किस समय जाने लायक नहीं है, बिना स्नान किए भोजन बने का भगवान का भोग नहीं लगता है, ये तमाम अपरस कहते हैं, छुआछूत जिसको कहा जाता है देशी भाषा में। अपरस का मतलब पवित्रता, पवित्रता पूर्वक भोग लगाने का प्रमाण होता है। हमारे लड्डू गोपाल जी क्यों रखते हैं? वो छोटे होते हैं, 11 इंच से छोटे होते हैं, उनके सामने मिश्री रख दी, किशमिश रख दी, जम्बर जी खाते रहे, पानी का लोटा रख दे, जैसे कि मैंने आपको अनेक वीडियो में बताया है। तो मूर्ति रखनी है लेस देन 12 इंच यानी 11 इंच तक की मैक्सिमम। उनकी अगर आप समय पर पूजा पूरी नहीं भी कर पाएंगे तो भी भगवान रुष्ट नहीं होंगे। और सुबह शाम जो भगवान को बनता है उनके सामने तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित है प्रभु, जैसा रूखा सूखा 56 भोग आपकी इच्छा थी घर में बना, वो पहले आप ग्रहण करो, उसके पश्चात हम ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से भावपूर्ण घर में मंदिर की स्थापना हो, आप इस किसी भी संदेह में ना जाएं कि कौन सी मूर्ति रखें कौन सी ना रखें। हाँ, क्या रखना जरूरी है ये जरूर मैं बता दूंगा। एक तो अपनी कुल देवी, उनकी मूर्ति या उनका चित्राम आपके मंदिर में होना परम आवश्यक है।
दूसरा आपके कुल देवता, यानी किन्हीं के खाटू श्याम जी हैं, किन्हीं के सालासर जी हैं, किन्हीं के अन्य जो भी बहुत से अपने देवता होते हैं, कुल देवता, किसी के भैरव जी होते हैं, किसी के भूमिया जी इत्यादि होते हैं। तो कुल देवी और कुल देवता की स्थापना चित्राम के द्वारा अथवा मूर्ति स्थापना के द्वारा आपके घर में परम आवश्यक, परम अनिवार्य, परम इसकी एक आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए उन्नति कारक, यश कारक, लाभदायक होते हैं। उसके उपरांत हमें और क्या रखना जरूरी है, अपने गुरुदेव का चित्र पूजा में होना चाहिए। और जो हमारे इष्ट देव हैं, जो गुरुदेव ने आपको कान में मंत्र दिया अथवा जिसकी श्रद्धा से आपको अधिकांशतः जो जप करते हैं, ज़्यादातर लोगों का किसी का हनुमान जी होते हैं, किसी के भगवान भोलेनाथ होते हैं, किसी की माँ भगवती होती हैं, किसी के मेरे श्याम प्रभु होते हैं। तो जो हमारे इष्ट देव हैं, कुल देव हैं, ग्राम देवता हैं, ग्राम देवी हैं, उनके आप चित्र जरूर रखें, बाकी कोई रखो ना रखो आपकी इच्छा पर है। तो ये आपको वीडियो हमारा जरूर अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो हमारा उद्देश्य एक ही है, बार बार हम आपको याद दिलाना उचित समझते हैं, एक ज्ञान को बांटो, एक छोटी छोटी ज्ञान की विधाएँ, छोटे छोटे ज्ञान के बिंदु आपको बहुत उन्नति के अग्रसर पर ले जाएंगे। तो इसको आप अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो हमारे आचार्य जिनेंद्र कटारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर प्रोग्राम हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहें और आपको ज्ञान घर बैठे मिलता रहे। इतना ही आज के वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।